हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सक्सेस की 90s आप सभी के लिए बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया है। आप सभी को पता है, आप सभी को यहाँ पर एक न्यूज़ बहुत बड़ी है। चलिए देख लेते हैं कि आज का सेशन है यूपी DLED 2021 अपडेट टुडे। चलिए देखते हैं, परिवर्तन लिखा है आपका आपके स्क्रीन पर, परिवर्तन नेक्स्ट एग्ज़ाम। बिल्कुल, हम आज आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे कि क्या होने वाला है, चेंजेस क्या होगा, पैटर्न कैसे आएंगे, क्वेश्चंस, बिल्कुल सारी बातों पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लिखा हुआ है DLED में पहली बार शुरू होने वाली प्रवेश परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, बिल्कुल जो भी पैटर्न है उसके बारे में, और पेपर में कैसे आएंगे प्रश्न, ठीक है, तो हम सब यहाँ पर देखने वाले हैं। चले पहले हम बात करेंगे आज की मुख्य खबर की, कि जो आई है खबर वो हम देख लें। सहायक आचार्य के पदों पर अवसर, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग, पद आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, पद क्या है, सहायक आचार्य के पद हैं, शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज द्वारा जो है आपका 40 से ज़्यादा विषयों में वेतन नियमानुसार शुल्क आपका है 25 फरवरी से 26 मार्च तक आप जमा करना होगा आपको। चलिए फिर हम देखते हैं, तो आपका शुल्क का डेट है 25 फरवरी से 26 मार्च, ज़रा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। फिर लिखा है पात्रताएँ क्या होंगी, यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद लिखा है 25 फरवरी से 2021 ये आरंभ हो जाएगा आवेदन। आवेदन की तिथि आपको यहाँ पर बताई गई है, ऑनलाइन के लिए आपके यहाँ पर साइट देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को साइट्स नहीं पता चल पाती और वो भटकते रहते हैं, तो उनको यहाँ पर ये देख लेना है। चलिए आज हमने बात कर ली, हमारे जो मुख्य खबर हमारी आई थी, ठीक है, अब बात करेंगे कि PNP ने जो है काम जो किया है उसमें क्या जो है परिवर्तन उसने किए, कैसे वो क्वेश्चन पूछने वाला है, किस तरीके से हम सब यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो जल्दी जल्दी से चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना इज सो इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि आप सभी लोग जो हैं उनसे बेल आइकन प्रेस करने के बाद वीडियो को सबसे पहले पा जाते हैं, तो यहाँ पर ये होता है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि हम परिवर्तन होने वाला है क्या और कैसा पैटर्न आएगा पेपर का, तो कुछ ज़्यादा नहीं चेंजेस होंगे। आपको पता है DLED आपका ग्रेजुएशन लेवल का होता है, आपको पता है वहाँ पर आपको पहली बार एक तो पेपर होने वाला है, सब कुछ तैयार करना होगा आपको, जिनका साइंस बैकग्राउंड है, जिनका आर्ट बैकग्राउंड है, बिल्कुल पेपर आपका लाइक एज BEd के जैसा होगा, पर BEd के जैसा होगा, पर क्या BEd के जैसा बहुत ज़्यादा टफ पूछा जाएगा, या फिर कैसा पैटर्न होगा, बहुत ज़्यादा सोचना है हम लोगों को इस बारे में, पर कुछ बात नहीं है, आप लोग ज़रा सा कोई भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है वहाँ पर आपको एक सामान्य सा पेपर होगा, ऐसा पेपर कि सभी लोगों के लिए वो पैटर्न फॉलो करें, जैसे कि हिंदी है, कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं वो आपको अच्छे से तैयार करना होगा, जैसे कि आपका हिंदी है, कुछ लोग इंग्लिश का होगा उनका, तो वो इंग्लिश का चुन लेंगे। देखिए कुछ लोगों का बैकग्राउंड साइंस का होगा, तो उनके लिए वो क्वेश्चन कॉमन होंगे, जैसे कि आर्ट वालों के लिए जो आर्ट का पेपर होगा वो उनके लिए वो कॉमन होगा, और साइंस का पेपर होगा वो उनके लिए कॉमन होगा। अब हम बताते हैं आर्ट में कैसे कैसे आ जाएगा, जैसे कि आर्ट में ग्रेजुएशन में आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है वहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे, और जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइंस की, तो जो साइंस है ना, इस साइंस में मैथ वालों के क्वेश्चंस भी आएंगे और यहाँ पर बायो वाले के क्वेश्चंस भी आएंगे। अब बताइए, अब कोई इसमें कहे कि भाई किसी के ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे और किसी के कम मार्क्स आ जाएंगे कि हमने वो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, पर आपने अपना तो पढ़ा है, और ज़रूरी नहीं जो दूसरा है दूसरे ने वो आपका नहीं पढ़ा होगा, वो अपना एक दूसरा ही सब्जेक्ट उसने पढ़ा होगा, यानी कि वहाँ पर कोई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है किसी को 500 में से 500 नंबर मिल जाए, 100% मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो आप लोग अपने हिसाब से बेहतर तैयारी कीजिए,
बस कुछ चीज़ें कॉमन हैं, उन चीज़ों पे आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। जैसे कि आज का कंपटीशन है तो उसमें आपका रीजनिंग भी दे दिया जाता है, तो थोड़ा सा रीजनिंग पे भी फोकस करेंगे हम, थोड़ा हिंदी पर भी फोकस करेंगे, जो आपको क्या देगा, नंबर दिलवाएगा। ये सारा पैटर्न आपको जो है नंबर दिलवाएगा। अब हम आपको यहाँ पर आपके कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल गए होंगे कि आपको किस तरीके से वो चीज़ों को संभालना है, तैयारी करना है, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। तो जो लोग बहुत डर रहे थे कि मान लीजिए अब पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, क्या हमारे सब्जेक्ट से आएगा या कुछ और सब्जेक्ट से अलग से क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो बिल्कुल सब्जेक्ट आपका सबका होगा, क्योंकि जो डीएलएड वाले हैं साइंस और आर्ट सबका होगा, तो सभी को डीएलएड ही करना, परंतु उनके हिसाब से होना चाहिए। तो वो पेपर आपका जिस हिसाब से बनेगा उसकी सब्जेक्ट हमने यहाँ पर आपको बताएं कि इंग्लिश और हिंदी और रीजनिंग, हिंदी और रीजनिंग पर आपको ज़्यादा फोकस देना होगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट करेगा, क्योंकि वो सब लोग गेन कर सकते हैं नंबर, तो आपको भी वो नंबर गेन करने होंगे। बाकी आपके सब्जेक्टिव होंगे तो उन पर आपको खुद ही मेहनत करना होगा, और उम्मीद करेंगे अपने आप से कि हम जो पढ़ रहे हैं उनमें अपना 100% दें, और जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा ही नहीं उसमें हम गेन मान लीजिए आएगा तो कर पाएंगे, वरना नहीं, लेकिन अपने सब्जेक्ट पर ध्यान हमें ज़रूर देना होगा। तो चलिए, हम इसका एक पूरा वीडियो, हमारा नया चैनल आने वाला है, आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर लगा दिया है अपने चैनल को ऑटोक्रैट क्लासेस। यहाँ पर हम आपको एंट्रेंस से जुड़ी सारी खबरें बताएंगे, उसके साथ साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी पूरे वीडियो के साथ। आपको ये जल्दी ही चैनल हमारा लॉन्च होने वाला है, इसकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, बस आप सभी को वो चैनल जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन उसका भी प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए वहाँ पर। और आपको पता है ये इस चैनल पे हम आपको एंट्रेंस से रिलेटेड सब तैयारी करवाएंगे, हर सब्जेक्ट का वीडियो बहुत अच्छे से देने वाले हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब करके उसको वीडियो को ज़रूर देखना, वो क्लासेस आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको जो लोग पहली बार देने वाले हैं, क्योंकि पहली बार ही ये डीएलएड में चेंज हुआ है, तो आपका अच्छा सा वो क्लास हो जाएगा और नंबर भी आप ज़्यादा गेन कर पाओगे, एडमिशन आपका पक्का हो जाएगा। चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक आप अपने चैनल सक्सेस की 90s पर बने रहिए। और हाँ, आप अपने ये सभी तक ये वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ऑटोक्रैट क्लासेस आप सभी को बहुत अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करवाएगा, ताकि आप लोग अच्छे से अपना एंट्रेंस क्लियर कर सकें। जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लें, जिन्होंने किया है वो भी ध्यान दे लें कि अपने भाइयों तक, अपने बहनों तक या अपने सहपाठियों तक जो भी पढ़ने के इच्छुक हैं इस बार डीएलएड में प्रवेश के, वो लोग ये ऑटोक्रैट क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।